गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं सेट्स के क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी किया था और हमने एक्सरसाइज 1.1 आपको होमवर्क दिया था कि आपसे बोला गया था कि 1.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा चलिए आज हम इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो आई थिंक आप अपने से इस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके होंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप मिलाइए आप कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे तो चलिए एक्सरसाइज वन पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स पूछ रहा है ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं नाइन तक इसमें कौन से सेट्स के एग्जांपल है ठीक है जस्टिफाई योर आंसर तो पहला क्वेश्चन क्या है चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर Beginning with letter J. जे से start होने वाले जो लेटर है वो कौन कौन से होंगे एक होंगे हो तो तो हो तो हो ठीक है एक हमारा जैन हो जाएगा जनवरी दूसरा हमको क्या मिलेगा इसके बाद फेबर मार्च अप्रैल मई जून एक हमको मिल जाएगा जून और इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा जुलाई ठीक है तो हमें जब भी कोई किसी भी मंथ किसी भी ईयर में जो मंथ है जे से स्टार्टिंग uh, वाला मंथ आप खोजेंगे तो आपको कौन से मिलेगा एक जनवरी मिलेगा एक जून मिलेगा और एक जुलाई मिलेगा क्या ये पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस वैरी हो रहा है क्या दूसरे लोगों के लिए पूछा जाएगा तो इनके लिए इन तीनों के अलावा कुछ आएगा बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है इसके अरेंजमेंट में चेंजिंग हो सकता है कोई आपको जुलाई जून और जनवरी बोल सकता है कोई आपको जून जुलाई और जनवरी बोल सकता है लेकिन यही तीनों होंगे तो ये एक सेट है ठीक है तो ये सेट है या नहीं है ये सेट का एग्जाम्पल है या नहीं है बिल्कुल पहला वाला जो है वो एक सेट को डिफाइन कर रहा है चलिए दूसरा दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया हमारे यहां इंडिया में जो टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो सेट्स में प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे तो अब देखिए जो राइटर ऑफ इंडिया है मोस्ट टैलेंटेड का को अब वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा हो सकता है जैसे आ, मैं हूं तो मुझे कोई और राइटर मुझे एक राउंडा बन है वो राइटर पसंद है किसी को चेतन भगत पसंद होगा ठीक है तो अलग अलग लोगों के लिए जो राइटर हैं वो अलग अलग पसंद हो सकती हैं क्या दुनिया में सभी लोगों को तो बोला जाए कि आप अपने टेन मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम बताइए तो क्या सभी लोग सेम आंसर देंगे बिल्कुल नहीं देंगे इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला टर्म्स है वो सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है दूसरा वाला सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्यों क्योंकि पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस चेंज बता रहा है थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड क्या कह रहा है अ टीम ऑफ इलेवन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आपको वर्ल्ड में से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को सेलेक्ट करना है तो अगर आप 11 बेस्ट बैट्समैन सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है जैसे मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ ठीक है एम एस धोनी ऐसे लोग पसंद है कुछ लोगों के लिए अलग अलग प्लेयर होंगे ठीक है और हमें अगर फॉरेन फॉर देखे जाए तो एंड्रो साइम्स ठीक है जेलम ऐसे प्लेयर्स पसंद थे तो क्या सबके लिए बेस्ट प्लेयर वही होंगे जो मेरे लिए है ऐसा नहीं है सबकी जो तरीके हैं या जो लोग सेलेक्ट करेंगे चूज करेंगे वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ये जो थर्ड वाला भी है ये भी एक सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ठीक है क्लियर हुआ क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस चेंज हो जा रहा है फोर्थ आइए फोर्थ देखते क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अवर क्लास हमारे क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन तो आप देखिए अगर एक क्लास है तो क्लास में सभी बॉयज का कलेक्शन है तो भाई सबके लिए किसी भी पर्सन से पूछा जाएगा तो उसके क्लास में जितने भी बॉयज होंगे वो फिक्स्ड होंगे ठीक है वो वेरिएबल नहीं है आप ऐसे समझिए कि आपके क्लास में दस लोग हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो क्या दूसरा कोई काउंट करेगा तो दस से इलेवन हो जाएगा ऐसा तो है नहीं अगर दस है तो वो दस ही है तो ये क्या है वेल well डिफाइन है किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा है तो ये हमारा जो होगा ये एक सेट्स का पार्ट है क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन हंड्रेड ये भी देखिए हमारा सेट है क्योंकि ये फिक्स्ड है ये फाइनाइट सेट है ठीक है हमारा कलेक्शन नेचुरल नंबर का लेस देन तो तो कहां से स्टार्ट होगा डॉट 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 ये भी हमारा क्या है एक सेट है क्योंकि सबके लिए चाहे किसी भी पर्सन से पूछा जाए ये पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे ये भी हमारा सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए क्या है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटन की हुई जो बुक्स है नॉवेल्स है उसके बारे में बात कर रहा है तो भाई मुंशी प्रेमचंद जितनी भी बुक्स लिखे होंगे तो फिक्स्ड ही बुक लिखे होंगे ना ऐसा तो नहीं होगा कि वो इनफाइनाइट बुक लिख दिए हैं ऐसा तो है नहीं वो और सभी लोगों के लिए सेम होगा अगर मेरे लिए मुझे पता है कि वो चार बुक लिखे तो सबको यही नहीं पता होगा वो चार बुक लिखे अगर वो चार बुक लिखे तो सबके लिए तो सेम ही हो गया तो ये भी हमारा क्या हो गया एक सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट देखिए क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटीजरेंगे तो हर पर्सन के लिए इवेंट इंटीजर्स क्या होगा सेम होगा क्योंकि हम पूरे कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इन टीजर्स की बात करें तो यह भी हमारा एक सेट हो गया नेक्स्ट देखिए क्या है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर

करेगा ठीक है तो ये भी क्या है एक सेट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर लास्ट हमारा क्या है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड देखिए ये सेट नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके लिए सेम नहीं होगा मैंने पढ़ाते समय भी इसका एग्जाम्पल लिया था ठीक है इस एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल हर पर्सन के लिए इक्वल नहीं होता है ठीक है किसी के लिए लायन अगर बहुत डेंजरस एनिमल है तो किसी के लिए डॉग भी बहुत डेंजरस एनिमल होगा ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक एक लाइन मैं आपको समझाते हुए आगे पढ़ रहा हूं चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंसर्ट दोप्रीट सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द फिलिंग द ब्लैक्स देखिए बिलोंग्स एक साइन ये है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ठीक है ये वाला जो साइन है इसका नाम है बिलोंग्स टू और ये वाला जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू तो आपको बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल कौन बिलोंग्स टू का है और कौन डज नॉट बिलोंग्स टू पे शो कर रहा है तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पहला क्वेश्चन हमारा है 5 तो अब देखिए यहां पे जो 5 एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू का होगा कि बिलोंग्स टू का होगा जरा बताइए ये ये जो five है 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 होगा होगा या does not belongs to होगा? तो या तो सर, five elements में है, तो तो देखिए नहीं आप बोलोगे सर यहां पर जो साइन लगेगा वो साइन लगेगा बिलोंग्स टू का कौन सा लगेगा बिलोंग्स टू यानी फाइव इसका पार्ट है तो अगर कोई एलिमेंट जैसे एज इक्वल टू लिखा ए बी सी डी तो ए इसका पार्ट है या नहीं है है। तो जो जो एलिमेंट इसका पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू और जैसे मान लीजिए एफ क्या इसका पार्ट है नहीं है तो डस नॉट बिलोंग्स टू ठीक है तो एट इसका पार्ट है या नहीं है तो एट एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो यहां पर आप साइन लगाएंगे कौन सा डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो इसका पार्ट है कि नहीं है जीरो भी नहीं है तो जीरो भी हम लोग क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू फोर इसका पार्ट है हा है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू टू इसका पार्ट है हा है तो ये हो गया बिलोंग्स टू टेन इसका पार्ट है तो टेन इसका पार्ट नहीं है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर टू चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है एक एक लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है और कैसा आपको लग रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं

इंटीजर लिखना -3 से ग्रेटर और 7 से छोटा तो आप देखिए हो जाएगा -2 my, minus -2 minus -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से लेस है तो बस 6 तक रोक देंगे क्लियर हुआ तो कहां तक कहां से कहां तक हमको मिल जाएगा -3 से ग्रेटर तो -3 से ग्रेटर हमको क्या मिलेगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 मिल जाएगा क्लियर हुआ चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है x such that x is a natural number less than तो हमें एक नेचुरल नंबर लिखना है जो कि लेस देन सिक्स होगा इसको इरेज कर दे रहा है आइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कह रहा है एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है तो नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या मिलेगा मान लीजिए इसको से रिप्रेजेंट कर दे रहा है तो वन टू थ्री फोर और फाइव तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव हमारा नेचुरल नंबर और सिक्स से क्या है लेस है तो ये कौन सा फॉर्म है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म ठीक है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म टैबुलर फॉर्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सी का क्या है एक्स दैट एक्स

यहाँ पे कितने होंगे ये भी फाइनाइट होंगे कौन कौन सा होगा तो एक तो हो जाएगा वन और सेवन तो नंबर हो जाएगा कितना सेवनटीन हो जाएगा एक इसका उल्टा हो जाएगा सेवन सेवनटी वन दो नंबर हो गए इसके बाद टू से आइए तो टू और सिक्स एट हो जाएगा इन दोनों का सम इसका उल्टा कितना हो जाएगा सिक्सटी टू थ्री से आइए तो थ्री और फाइव थर्टी फाइव इसका उल्टा कितना मिल जाएगा हमको फिफ्टी थ्री फोर से आइए तो हमको कितना मिल जाएगा फोर फोर इसका उल्टा कितना मिल जाएगा फोर्टी फोर तो ये हमको नंबर मिल गए तो कौन कौन से नंबर मिले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमको नंबर मिल गया अच्छा और टू डिजिट के नंबर में एक नंबर आप और ले सकते हैं कौन सा जीरो एट जीरो टू डिजिट का नंबर होता नहीं तो एट जीरो रख सकते हैं एट्टी ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया Clear हुआ concept समझ में आया कि जो हमको टू डिजिट का नंबर मिलेगा वो मिलेगा सिक्स सिक्सटी टू थर्टी फाइव फिफ्टी थ्री फोर्टी फोर और एट्टी जीरो एट नहीं लिख सकते ठीक है, है यहाँ पे आप जीरो एट नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो एट वन डिजिट का नंबर होता है टू डिजिट का नंबर नहीं होता है चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड क्या फोर्थ क्या कह रहा है x such that x is a prime number which is divisor of 60 यानी ऐसा कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देगा सिंपल सा है चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग d is equal to हमको क्या मिलने वाला है ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देंगे तो चलिए आप बताइए प्राइम नंबर विच इज डिविजर बाई सिक्सटी तो देखिए एक तो आपको मिलेगा वन भी इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा टू भी डिवाइड कर देगा थ्री भी डिवाइड कर लेकिन ये सब प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर हमको कौन सा मिलेगा इसको इरेज कर देते हैं

ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री से डिवाइड नहीं होगा ट्वेंटी होगा तो आपको केवल केवल और मिलेगा टू थ्री और फाइव क्लियर हुआ चलो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर को आपको uh, uh, में लिखना रोस्टेड है टेबुलर फॉर्म में तो ई इज इक्वल टू सिंपल है हर एक वर्ड को लिखिएगा बस कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए तो ये हो गया देखिए टी आर आई जी ओ एन अब देखिए फिर से ओ आया तो ये रिपीट नहीं होगा एम फिर ई e, फिर देखिए टी आया टी हम पहले लिख चुके हैं आर आर हम पहले लिख चुके हैं और वाई तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा वाई ये हो गया हमारा देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई ठीक है कोई रिपीट नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या हो गया

E भी नहीं आएगा और आ जाएगा आर। तो B -E -T R तो बी आर जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा क्लियर हुआ है? इतना समझ समझ में आया। समझ में आया 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 क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अच्छे से कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस ग्रुप को आप बढ़ाइए ठीक है आपके प्यार से आपके साथ से ही ये ग्रुप क्या होगा और ज्यादा बड़ा होगा ये जितना ही ज्यादा बड़ा होगा उतनी अच्छी क्वान क्वांटिटी और क्वालिटी क्वालिटी के साथ अच्छी क्वांटिटी के साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी चलिए इसे रेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं ठीक है इसे रेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर पे आ गए यहां पे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर क्या है राइट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, Shad... में में लिखना है? है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है तो चलिए फोर्थ का फर्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में थ्री सिक्स लिखा हुआ है तो थ्री सिक्स को हम लोग क्या लिख सकते देखिए एक्स सच दैट एक्स तो हमको लिखना ही है अब ये थ्री का एक तरीके से टेबल है तो हमें X क्या है? हम क्या थ्री एन लिख सकते हैं तो, 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 तो नाइन देगा फोर रखेंगे तो ट्वेल्व देगा फाइव रखेंगे तो फिफ्टीन देगा और फिफ्टीन नहीं है तो वन से लेके फोर बीच के बीच का नंबर है तो आप यहां पे लिख सकते हैं जो एन की वैल्यू है वो वन से लेके कहां तक है फोर तक है ये हो गया हमारा x एक्स x, जो x है वो बिलोंग्स टू क्या है थ्री एन है थ्री एन के फॉर्म में है n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमारा कहां से कहां से से तक तक है है लेके n है, इस n इस तो कहा ये जो n है n वैल्यू कहां कहां से से तक है 1 से लेके फोर तक है ठीक है चलो दूसरा देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू अगर इसको नोटिस करिए ये क्या है टू फोर है देखिए क्या क्या है टू फोर सिक्स एट थर्टी टू यानी टू फोर फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं टू के पावर टू और क्या है एट टू के पावर थ्री टू के पावर फोर थर्टी टू टू के पावर फाइव ऐसा है तो देख रहे हैं टू टू दी के फॉर्म में चल रहा है तो सेम यहां लिख दे रहे हैं x x as that जो हो गया और x इज इक्वल टू क्या है 2 के पावर n के फॉर्म में है लेकिन n की वैल्यू क्या है एन हमारा नेचुरल नंबर है और एन कहां से कहां तक है एक बार हमने टू की वैल्यू क्या रखा वन वन से लेके फाइव तक तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या five. ठीक है चल। तक आपको अच्छे समझ में आया अगर समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं थ्री क्या है फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव और सिक्स ट्वेंटी फाइव है तो सेम ये भी देखिए फाइव ट्वेंटी फाइव को फाइव टू दी पावर टू इसको फाइव टू दी पावर थ्री इसको फाइव टू दी पावर कितना लिख सकते हैं फोर्थ ऐसा ना सही है हम ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए हमको क्या मिला और लेकर फोर तक है कहां से कहां तक है से लेकर फोर तक है चल आ जाते हैं फोर फोर्थ वाला क्या कह रहा है टू फोर सिक्स डॉट 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 है

फिर वन है वन का टू का श्कौर, श्कौर, डौट, 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 है? का स्क्वायर, 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 टू डॉट और एन जो है वो बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है और एन की वैल्यू कहां से कहां तक है देखिए वन का स्क्वायर आपको वन मिला टू का स्क्वायर तो और लास्ट में हंड्रेड यानी टेन का स्क्वायर तो एक्स N की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आपको समझ में आया नहीं आया आपके क्लियर हो रहे हैं तो आप क्या करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए आप इस ग्रुप को आपके हेल्प से चाहे जितना मेहनत करने से ग्रुप नहीं बढ़ेगा ठीक है आप लोगों के हेल्प से आप लोगों का प्यार से ही ये ग्रुप क्या होगा आगे बढ़ेगा चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ये सेट्स है ठीक है और हमें क्या करना लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स चलिए सॉल्व करते हैं इसको इसकी कंडीशंस को हम

एक्स दैचुरल नंबर कौन कौन सा हमको मिलेगा अगर हमें नंबर और odd number, तो हम यहां से दिखा देते ए, A is equal to क्या लिखेंगे ये हमारा क्या हो गया ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो गया दूसरा देखिए क्या है दूसरा देखिए क्या है एक्स एस दीजर

फोर फाइव मिलेगा नहीं मिलेगा फोर पॉइंट फाइव से छोटा ही रखना है तो बस ये हो गया हमारा तो इसका जो होगा, इस, इस वाले का हमको मिल जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर चलिए थर्ड देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है एकदम आसान है बस एक एक करके क्वेश्चन लगाते जाइए एक्स दैट एक्सन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर है पे टर्म्स क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर है तो देखिए सी इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे ऐसे कौन कौन से टर्म्स है इक्वल होगा फोर से इक्वल हो या फोर से छोटा दोनों केसेस है तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर आपको क्या देगा वन वो भी फोर से छोटा है जीरो का स्क्वायर वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है समझ में आ रहा है आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ठीक है चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है एक्स द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल लॉयल को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है एल ओ वाई ए फिर से l लिखेंगे नहीं लिखेंगे l o y a बस यही हमारा क्या हो गया एंकर हो गया चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है e वाला x such that x is a month of a year not having 31 days ठीक है as a month of a year not having 31 days तो कौन-कौन से ऐसे इयर्स होते हैं जो 31 डेज के नहीं होती हैं ठीक है नॉट हैविंग अ थर्टी वन डेज तो देखिए सबसे पहले जनवरी स्टार्ट होता है वो थर्टी वन का होता है फिर फेब्रुवरी फेब्रुवरी थर्टी वन का नहीं होता ठीक है वो ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन का होता है फिर आइए मार्च फिर वो थर्टी वन का होता है अप्रैल फिर से थर्टी का होता है तो अप्रैल नहीं है मे क्या होगा थर्टी वन का होगा तो देखिए जून नहीं है जून हमारा कौन सा होगा थर्टी का होता है फिर क्या मिलेगा जून के बाद जुलाई जुलाई और अगस्त ये दो लगातार ऐसे मंथ होते हैं जो किसके होते हैं थर्टी वन के होते हैं ठीक है तो जुलाई भी नहीं होगा जुलाई और अगस्त नहीं होगा सॉरी हां जुलाई और अगस्त नहीं होगा तो हमको क्या मिलेगा इसके बाद सेप्टेंबर कौन सा मिल गया सेप्टेंबर फिर अक्टूबर नहीं होता है फिर हमको कौन सा मिलेगा नवंबर तो फिर दिसंबर नहीं होगा तो जुलाई अगस्त और दिसंबर जनवरी ठीक है जनवरी ये सब किसके होते हैं थर्टी वन के होते हैं मतलब और भी होते हैं लेकिन ये लगातार आते हैं ये हो गया हमारा कौन सा क्लियर हुआ जो 31 का नहीं होता है चलिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट सिक्स क्या कह रहा है एक्स देंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट Which proceeds K? English alphabets which प्रसीड्स की यानी हमें एक कांस्टेंट कंसोनेंट कौन, रखना सॉरी कांस्टेंट बोल दिए कंसोनेंट रखना इंग्लिश अल्फाबेट का जो कहां तक चलेगा के तक व्हिच प्रोसीड्स के तो देखिए आपको क्या-क्या मिलेगा आइए रखते हैं वोवेल्स हटा देंगे इसमें से तो हमें सबसे पहले हमको कौन सा मिल जाएगा ए वोवेल है तो बी फिर सी फिर डी ई e नहीं होगा एफ फिर जी फिर एच आ नहीं होगा फिर हमको क्या मिलेगा 6 और उसके बाद क्या आ जाएगा बस तो ये हमारा क्या हो गया आंसर तो b c d f g h g b c d f g h और जाए, क्लियर हुआ या तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चल अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का ठीक आ जाते

इस साइड आप देखिए इसमें आपको कौन सा मिल रहा है वन टू थ्री सिक्स तो यहां पे देखिए वन टू थ्री सिक्स वाले केसेस में x सच दैट इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिविजर बाई सिक्स मैच ऑफ द सेट ऑफ द कॉलम अच्छा मैच मैच करने वाला कॉलम है तो चलिए हम लोग सेट सेट कर लेते कोई दिक्कत नहीं है तो वन टू थ्री सिक्स तो वन टू थ्री सिक्स में हमको कौन सा देगा इसमें तो देखिए एक तो इसको हम लोग देखते हैं x such that x जब प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर है तो यहाँ क्या 1 2 3 6 सारे प्राइम नंबर ये तो हट गया ठीक है अच्छा व्हिच इज डिविजर बाय 6 तो ये तो पहला हट ही गया x such that is odd natural number less than 10 ये भी नहीं होगा x such that x is a natural number and divisor of 6 ये देखिए तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा c ठीक है नेचुरल नंबर और ये तो मैथमेटिक्स तो का हम लोगों का कंप्लीट हो गया ठीक है अब आइए जरा ये वाली केसेस हमको वन टू थ्री सिक्स वाला कौन सा ये मिल गया ये मिल गया टू थ्री वाली केसेस देखिए तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे तो टू थ्री किसमें मिलेगा एक्सट एक्स प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ सिक्स दोनों कैसे नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए और किसको डिवाइड करनी चाहिए सिक्स को डिवाइड करना चाहिए देखिए हमारा 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 क्या है? भी हमारा क्या है 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 प्राइम प्राइम नंबर नंबर भी और किसको डिवाइड डिवाइड को कर रहा है, तो, हमारा हो जाएगा. तो one, three, five, seven, ये वो बी हो जाएगा का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पे आते हैं। एक सॉल्व एक एक किया जाए आइए कि इसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है और क्या है इसमें इक्वल सेट्स अब देखिए इक्वल सेट्स बचे हुए ठीक है तो इक्वल सेट्स के साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 आपको कल के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये इक्वल सेट क्या होता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 क्या किया जाएगा बता दिया जाएगा तो आप 1.2 आपके लिए होमवर्क है 1.2 क्या है आपके लिए होमवर्क है आप इसे अच्छे से क्या करिए सॉल्व करिए इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आप क्या करिएगा रीचेक कर लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग तो नहीं है या सारे क्वेश्चन का डाउट हमारा क्लियर हो जा रहा ठीक है चलिए तो क्लास इलेवेंथ के मैथ्स की टाइमिंग आपको सबको पता है टाइमिंग आप सभी लोगों की जो है वो एट पीएम से स्टार्ट होती है तो डेली आपको जो क्लासेस मिलेंगी और वो क्लासेस अप्रोक्सीमेट थर्टी टू वन आवर्स की यानी एक घंटे से ऊपर की भी क्लासेस हो सकती है जैसा रहेगा वैसा आपको मिलता है लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर होगी मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप मुझे एक घंटा अपना दीजिए ठीक है एट पीएम पे आप हमें अपना टाइम दीजिए और आप ये देखेंगे आप ये नोटिस करेंगे कि एक महीने बाद आपको मैथ्स कितनी ज्यादा आने लगी है हर क्वेश्चन के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे देखिए हम आपको एनसीआर के साथ साथ एन एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराएंगे ठीक है एनसीआरटी एग्जाम्पलर भी कराएंगे और शर्मा भी कराएंगे जो शर्मा की बुक है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एनसीआर पढ़ेंगे उसके बाद एनसीआरपलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आर डी शर्मा तो ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा दस अब पूरी चैप्टर तो हम अलग से क्या आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आज के क्लासेस के लिए इतना ही क्लासेस डेली आप साथ में आइए डेली कंटिन्यू रहिए क्लासेस रेगुलर करिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच